कहानी रुक जाने से कहानी खत्म नहीं होती। आप दोनों की भी कहानी रुकी है, खत्म नहीं हुई है। उस कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखना बाकी है अनुपमा जी। आई थिंक आप दोनों को क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है। पॉप्स, नॉट नाउ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। I said not now. पॉप्स, मुझे आपसे कुछ अभी बात करनी है। मुझे आपसे अभी बात नहीं करनी है आथिया, so please leave me alone. पॉप्स, मुझे आपकी महान अनुपमा जी के बारे में बात नहीं करनी, मुझे शो के बारे में बात करनी है। श्रुति याद है ना, या फिर मेरे साथ साथ उसे भी भूल गए? आथिया, इन केस अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ। श्रुति वही है जिसने मुझे संभाला था तब जब आपकी अनुपमा जी हम दोनों को छोड़कर चली गई थी। श्रुति याद नहीं, उसके एहसान याद नहीं, तो डेफिनेटली आपको याद नहीं होगा कि कल क्या है। क्या है कल? वाओ पॉप्स, पिछले 4 सालों में आप कल का दिन कभी नहीं भूले, लेकिन थैंक्स टू अनुपमा जी आपको ये भी नहीं याद कि कल क्या है। कल क्या है? कल टेल मी, क्या है कल? क्या है कल? कल शू का बर्थडे है। अजीब है ना सर, रिश्ता और दिल दोनों टूट जाते हैं लेकिन प्यार का दामन नहीं छूटता। मैं भी नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन अब ये पाने की उम्मीद और ये खोने का डर, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर। आप अपनी तरफ से क्लियर हैं, लेकिन शायद अनुज क्लियर नहीं है। शायद अनुज क्लोजर ढूंढ रहा है। हर कहानी को आखिरी पन्ने का हक होता है, नहीं मिले तो किरदार का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप दोनों को क्लोजर की जरूरत है, वरना आप दोनों की ये हालत नहीं हुई होती। पॉप्स, यू नो वेरी वेल कि शो के लिए उसका बर्थडे कितना स्पेशल होता है। वो कभी हमसे कुछ नहीं मांगती है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हमसे। पर पॉप्स, हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम उसके बर्थडे को स्पेशल बनाएं, उसे सरप्राइज दें, उसे खुशी दें। एंड पॉप्स प्लीज, अपने पास को पॉज पे रख के कल के दिन अनु के अनुज से शो के एक के बन जाइए प्लीज। आई एग्री कि मिलना, बात करना ये आसान नहीं है। पुरानी बातें, पुराने जख्म सब फिर से ताजा हो जाएंगे, लेकिन मिलना जरूरी है। जब आप दोनों मिलेंगे तो कम से कम आप दोनों को अपने सवालों का जवाब तो मिलेगा, आपको भी क्लोजर मिलेगा। अनुज से बात करके ही हल निकलेगा, और अगर ना निकले तो बात खत्म कर देना जरूरी है। लेकिन बात खत्म भी तो बात करके ही होगी। कहानी खत्म करने के लिए नदी के दो किनारों को मिलना ही होगा। जैसा आप चाहती हैं, मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू सो मच पॉप्स, थैंक यू सो मच। अनुपमा जी, मैं नहीं चाहता कि अनुज और आप इस दर्द के बोझ को जिंदगी भर लेकर चले। उससे बात कीजिए, वरना मरते दम तक इसी तरह एक दूसरे में अटके रहेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।